जी नाज़रीन, सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दूर दबाई का ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज उर्स मुबारक है 13वां फकीरा बादशाही लाहौर में, जिसकी ज़ियारत मैं आपको करवाऊंगा दरबार के भी। ये बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं बाहर, ये बाहर के मनाज़र आपको दिखा रहा हूँ। आप वलियों के सरदार हैं। ये दरबार के अंदरूनी मनाजर हैं। तकरीबन सैकड़ों तलबा वहाँ से फारिग होते हैं। हमारे साथ किस तरह से को हम मिलना तंजीम और मदरसे में हम सर अल्लाह की करम है, क्योंकि नमाया पोजीशन आ जाते हैं। पिंडी किस तरह लाख लोग यहाँ पर जमा हैं। ये दरबार लाहौर में वाक़ है। ये अल्लाह इनाम दी है अपने बंदों का। उसने ये शेर पढ़ा, आगे चलकर पूछा ये मौलाद किसका है। फरमाते हैं कि ये भी मोहब्बत अल्लाह का हराम। वो सोया, इमाम जिलानी साहब फरमाते हैं मेरे साथ हिसाब और किताब हुआ, मेरे आमाल खत्म हो गए, मेरे आमाल में कुछ नहीं था। इस दौरान मोहब्बत अल्लाह का हराम हमत लगाया। फरमाया क्या है? फरमाया कोई नेक अमल नहीं, मेरे अमाल में से इमाम जानी साहब के लिए कुछ दे दिए। फरमाते कि वो इमाम जानी साहब खाफ से होता देखा अबैदुल्लाह रहमतुल्लाह आले आ रहा है। फरमाया कौन है? फरमाया आपसे मैं बयान करना चाहता हूं। पूछा आप जब पहली बार आए थे हमने क्या बोला, कौन सा शेर? इमाम जानी साहब ने अदब किया, हुजूर कुछ नहीं। फरमाया कौन क्या बोला? इमाम जानी रहमतुल्लाह ने फरमाया नंबर अस्हार की दुनिया दोस्तदार है। वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता, दोस्त नहीं बन सकता जो दुनिया को दोस्त रखता है। अबैदुल्लाह रहमतुल्लाह ने जवाब दिया अगर दारत बराए दोस्तदार। मुबारक साहब अगर ये नहीं चाहता, मुबारक साहब ने वर्जा अपनी औलाद के लिए तरक्की में से कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ अपनी मुरीदों पर निछावर कर दिया था। ये इखलास अल्लाह ने मुबारक साहब अगर अल्लाह का फैज देखो अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल तलबा एक इदारे से ऐसे और इदारों से मुबारक साहब की तलबा खादिमी सालिकी फारिग होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक साहब का फैज ज़ाहिरन और बातिनन जारी और सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह खिताब के लिए तशरीफ लेकर आता है
جناب علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر بھی ہے پروفیسر بھی ہے مفتی محمد رضا صاحب صاحب کہ وہ آئے اور اپنا خطاب دیں آواز محترم اس سائڈ سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا نام مبارک پیر سیف الرحمان المعروف پیر ارچی مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ خان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے 11 بیٹے ہیں آپ کے پیر و مرشد کا نام مبارک حضرت علامہ مولانا ہاشم سمگانی رحمۃ اللہ علیہ پیر سباق میں آپ کا دربار شریف ہے آپ ولیوں کے سردار ہیں بہت اونچے درجے کے آپ ولی ہیں آپ کا مزار مبارک لاہور میں ہے اور یہ سیالکوٹ انٹرچینج کے پاس ہے آپ کی صوبے میں جو بھی آیا جو شخص بھی آیا آپ نے اسے ولی بنا دیا اپنے علم کی طاقت سے آپ بہت اونچے درجے کے ولی کا عمل آپ کو مجدد الف ثانی کا عکس بھی کہا جاتا ہے آپ نقش سلسلہ نقش بندیاں کے بہت بڑے بزرگ کہلائے جاتے ہیں آپ کے لاکھوں مریدین پاکستان میں بھی موجود ہیں اور بیرون ملک کی بات کی جائے تو اس کے بعد آپ کے جو مریدین ہیں وہ بیرون ملک کی ہیں